एक बार फिर से राजस्थान में भर्ती परीक्षा का जो है पेपर आउट हुआ है और उसके बाद में बेरोजगार युवा हैं वो सड़कों पर उतर गए। देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो बेरोजगार हैं उनके हाथ में जो ये तख्तियाँ हैं और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में जिस तरीके से परीक्षाओं के जो पेपर आउट हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा बंद करो, और उसके साथ साथ में जो तमाम भर्तियाँ हैं, रोजगार की उम्मीद लगाए हुए ये जो बेरोजगार युवा हैं ये आज सड़कों पर है। मेरे साथ भरत बेनीवाल जी हैं, आपका क्या कहना है? ये आप एक जो है बड़ा आंदोलन भी चलाते रहे हैं इसके लिए, लेकिन आज ये हालात हैं कि लगातार जो है जो भर्ती परीक्षा के पेपर हैं वो आउट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, ये तो है सरकार का बैक डोर एंट्री का एक प्रोसेस जिसमें पीछे से सरकार फर्जीवाड़ा करती है, सामने आके नहीं करती। और सरकार ये कहती है कि हम तो फर्जीवाड़े को रोकने में लगे हुए हैं, जबकि अगर सरकार फर्जीवाड़े को रोकने में लगी हुई है तो राजस्थान के चिकित्सा विभाग में मेरिट आधार पर भर्तियां कर दी गई, मेरिट आधार पर, जबकि पिछली भर्तियों में इतनी फर्जी डिग्रियां हमने पकड़वाई, एसओजी में मुकदमे दर्ज हुए, 419 फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई, 2300 में से 419 फर्जी टॉप रैंकर्स आए, उनको चयनित से बाहर करवाया, इतना बड़ा मामला हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इतनी जबरदस्त आंदोलन किए, उसके बावजूद इन भर्तियों को मेरिट आधार पर कर दिया गया, ताकि क्या है, इन नेता लोगों की जो भी है इनके जानकार वो बाहर से डिग्रियां बनवा लाएंगे और इसमें टॉप रैंकिंग में आ जाएंगे और उनका चयन हो जाएगा। यानी सरकार ऊपर से दिखावा तो ये करते कि हम फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे, जबकि मेरिट आधार पे भर्तियां कर दी। जब लिखित परीक्षा से योग्यता को मौका मिलेगा, आप चिकित्सा विभाग है, कितना बड़ा विभाग है जिसमें एक छोटे से रोगी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर सरकार तुरंत प्रभाव से इनको लिखित से भर्तियों को नहीं करवाती है तो ये तय हो जाएगा कि सरकार खुद चला के फर्जीवाड़े करवा रही है। कानून लाना चाहिए इसके लिए, कड़े से कड़े कानून लाने चाहिए। छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है लेकिन बड़ी मछलियां छूट जाती हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान में अभी सबसे बड़ा तो कानून ये है कि भी इसमें फास्ट ट्रैक अदालत होनी चाहिए, जो 40 दिन के अंदर अंदर कोई भी भर्ती में अगर व्यक्ति फर्जीवाड़ा करता है उस व्यक्ति के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करते हुए उस अंडर ट्रायल केस चले और 40 दिन के अंदर अंदर 45 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक न्यायालय में उस पूरे मामले का फैसला भी आ जाना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति इसमें गुनाहगार थे और इन लोगों को, गुनाहगारों को ये सजा रहेगी। सजा मिलने के बाद जमानत होना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो कोई तरीका नहीं है कि इसी तरह से बार-बार छूटते रहेंगे। बाकी जो इन्होंने जो डिजिटलाइज पूरा सिस्टम करना पड़ेगा पूरे कैमरों की निगरानी में और हर तरीके से, जो एसआईटी टीम स्पेशल गठित तो हो ही होगी, एक स्पेशल फोर्स भर्तियों के लिए लानी जरूरी है पूरे राजस्थान में, जिसमें भर्तियों में पूरे मामले के अंदर जो बड़े नेता हैं, राजनेता, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। जी बिल्कुल, 100% राजनीतिक संरक्षण में काम हुए हैं। आप देख लीजिए जितने भी जो लोग पकड़े गए हैं उनका राजनीतिक लोगों के साथ ही तालमेल दिखाई दे रहा है, उसमें चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे अदर पार्टीज के नेता हों, कई लोगों के साथ उनकी फोटोज आ रही है और खूब बड़े बड़े स्तर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ उनकी फोटोज आ रही है। तो ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भी फर्जीवाड़े करवाने में सरकार का, अब आप देख लीजिए ना चिकित्सा विभाग की भर्तियां देख लीजिए, मेरिट पे कर दी, लिखित परीक्षा से कराने में कहां दिक्कत थी, 2000 युवा ऑटोमेटिक भर्ती से बाहर हो गए, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए, 5-7 हजार लोगों को लाभ देने के जो खास खास लोग हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र, बैकडोर एंट्रियां होती हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएंगे, एक फोन में ऐसे ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जिनको बोनस अंक दे दिए, जिनके अंदर एक फोन में व्यक्ति को लगाया जा सकता है, एक फोन बड़ा नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल है, आरपीएससी जैसी एजेंसी पर भी जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आरपीएससी पर? आरपीएससी पर सवालिया निशान तो खड़े होने साफ साफ दिख ही रहा है, क्योंकि भी देखिए आरपीएससी हो चाहे अदर बोर्ड्स हो, ये जो भर्तियों पे जिस तरह से इनको लगाम लगानी चाहिए थी, जो बैकडोर एंट्रीज थी और जो गैंग्स थी, जो क्या पता नहीं है इनको, इसी व्यक्ति पे जो अभी पकड़ा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, जो व्यक्ति जो मैन सरगना पकड़े गए, मैन सरगना तो खैर कभी पकड़ में ही नहीं आता, पिछली बार तो ये जारोली जी से पूछताछ तक नहीं करवा पाए रीट में, हमने इतने आंदोलन किए, हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराने वाले भी हम लोग ही थे, तो उसी से ये लोग पूछताछ नहीं कर पाए, तो इनकी तो इससे ऊपर की औकात ही नहीं है, जिस हिसाब से चल रहा है ये खुद इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होते तो किसी भी तरीके से ये ऊपर जो एसओजी या सीबीआई जांच करवाने में दिक्कत कहां है इनको। इनका कहना है सरकार का संरक्षण है, कुछ मेरे साथ युवा हैं। आज हम 22 साल से पढ़ लिख रहे हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही, घर का काम ही करना होता तो हम पढ़ते क्यों, इनको नहीं दिखता ये जो घर वाले इतने पैसे लगा रहे हैं, हम घर वालों से दूर रह रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता, पर इन्हें क्या पढ़ी, ये तो खुद ऊपर बैठे हैं और इन्हें कोई मतलब है नहीं हमसे, हम खाते रहे धक्के यहाँ पे। तो राजस्थान के जो तमाम युवा हैं वो अब सड़कों पर निकल चुके हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है। इनका ये कहना है कि जो फर्जीवाड़ा है, जो भर्ती परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की जरूरत है और सरकार को इसके इस बारे में जो कड़े कानून है उसको लाने की जरूरत है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9।